यूपी में कांवड़ मार्ग पर स्थित खाद्य पदार्थों की दुकानों पर मालिकों के नाम लिखे जाने का विवाद सुर्खियों में है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन अब इसके बाद यूपी के साथ लगते हरियाणा में भी अब ऐसी ही आवाजें उठने लगी हैं। हरियाणा के यमुनानगर के कस्बा रादौर में हिंदू संघर्ष समिति ने ऐसी ही डिमांड रखी है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 का हवाला देते हुए शहर में स्थित खाद्य प्रतिष्ठानों, सौंदर्य प्रसाधन और ब्यूटी पार्लर के मालिक सहित वहां काम करने वाले कर्मचारियों के नामों को दुकानों पर अंकित किए जाने की मांग उठी है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में तो कांवड़ यात्रा के मद्देनजर मार्ग में आने वाली दुकानों के बाहर मालिकों के नाम लिखे जाने पर जमकर बवाल हुआ है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और यहां पर फिलहाल फैसले पर रोक लगी है। लेकिन हरियाणा के यमुनानगर में भी कुछ ऐसी ही डिमांड हिंदू संगठन ने की है। हिंदू संघर्ष समिति के सदस्य अमित कंबोज का कहना है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के प्रावधान के तहत दुकानों पर असली मालिक का नाम लिखवाना जरूरी है। आज हिंदू संघर्ष समिति की तरफ से ये एक माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि इसमें ये मांग रखी कि जितने भी ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून है, खाद्य सुरक्षा कानून 2006, उसके अनुसार जितनी भी खाद्य सामग्री की जो दुकानें हैं, जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है, उन सभी को अपने नाम और अपने जो कर्मचारी हैं उनके नाम पूरी तरह से अंकित हों। और साथ ही अभी अगर जो अपने हमारा जो ये जो कांवड़ यात्रा चल रही है, इसमें इसकी सुरक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत जरूरी है, ताकि सामाजिक सद्भाव और सामाजिक भाईचारा जो है ना वो खराब ना हो। इसके नाते आज हमने ये ज्ञापन SDN साहब के माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है। यही हमारी मांग है, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने इस कानून को लागू किया है, उसी प्रकार हरियाणा की सरकार भी इस कानून को लागू करे, ताकि जो हमारे तीर्थ यात्री हैं, जो हिंदुओं की जो पवित्र आस्था का जो अभी कांवड़ यात्रा चल रही है, किसी के मन में किसी प्रकार का कोई भ्रम न रहे। सभी दुकानदार अपने दुकान के आगे, अपने जितने भी कर्मचारी हैं, जो दुकान के मालिक हैं, वो अपना नाम अंकित करें। चलिए आपको बताते हैं आखिर किस तर्ज पर हर राज्य में इस तरह की डिमांड बढ़ रही है। आपको बताते हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम आखिर होता क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जब से कांवड़ यात्रा के मार्गों पर ढाबों और रेहड़ी विक्रेताओं का नाम लिखना जरूरी किया है, तभी से ये मामला सुर्खियों में है। हालांकि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत सभी प्रतिष्ठानों, दुकानों पर उनके मालिकों का नाम GST नंबर लिखना जरूरी है, और इस अधिनियम में जागो ग्राहक जागो योजना के तहत नोटिस बोर्ड पर मूल्य सूची लगाने का भी प्रावधान है। यूपी के साथ लगते हरियाणा के जिला यमुनानगर के कस्बा दौर में भी आज हिंदू संगठन कुछ ऐसी ही मांग करते हुए जिला प्रशासन को अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं। और उनका कहना है कि श्रावण मास और कांवड़ यात्रा की पवित्रता और सामाजिक सौहार्द के मद्देनजर खाद्य सामग्री और सौंदर्य प्रसाधन के मालिकों को वहां काम करने वालों की सूची लगाने की मांग है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सख्त संज्ञान लेते हुए इस पर तुरंत किसी को भी अपने दुकान के बाहर अपना नाम अंकित ना करने की बात कही है, लेकिन जिस प्रकार यूपी से निकली चिंगारी अब हरियाणा तक पहुँची है, ऐसे में कहीं ये बड़ी आग का रूप धारण न कर ले। आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।